अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कमरान आज हाज़र हूँ फिर एक नवी वीडियो लैके एग्रीकल्चर रिलेटेड। तो ट्रैक्टर फॉर सेल बिलारस 520, ठीक है। ये मैं तुम्हें मुकम्मल विखा देना, यदि की डिमांड कर देना या यदि की पोजीशन है वो तुम्हें विखा देना, उतो इटों का कलर विखा देना। तो बाकी मजीद रोज़ एक इस तरह की वीडियो देखने वास्ते चैनल में सबसक्राइब करो, क्योंकि असं रोज़ एक नवी वीडियो अपलोड करने हैं, ठीक है दोस्तों। चैनल ट्रैक्टर इंजन का कलर तो टोटली जैनवन कलर है, कोई चीज़ ये चेंज नहीं है, सही है। पहला कलर है ट्रैक्टर का मॉडल 2007 है, 520। जैनवन बॉडी का रंग है जैनवन है, तो मार्केर वगैरह जो कुछ भी है जैनवन है। तो पिछले टायर ट्रैक्टर देखो जरा, नवे टायर ने 14 टायर ने ठीक हो गया। तो इस साइड तो ट्रैक्टर के थल्यो गर्डरियाँ वेख लो, बिल्कुल लश कंडीशन च होना। थल्यो ट्रैक्टर के हिस्से का कलर बिल्कुल माशाल्लाह साफ सुथरा कलर है, किसी जगह तो कोई डैमेज नहीं है, कोई चीज़ की रिपेयर नहीं हुई है, मुकम्मल बंद है, किसी जगह तो लीकेज नहीं है। आयल वगैरह होंगे ना, लीक हो जाता ट्रैक्टर का, ऐसी वैसी कोई गल नहीं है, खुश है कि ट्रैक्टर बिल्कुल ठीक हो गया। तो ट्रैक्टर के अगे बड़ा VIP और मजबूत और खूबसूरत बंपर लग गया है। ट्रैक्टर की राइट साइड है सिलेंसर वाली साइड, जनरेटर वाली साइड साइड जी है, ये ब्लॉक का कलर वेखो बिल्कुल क्लियर है, साफ है, जेन्युइन कलर है, ठीक है। गाडरी शाडरी भी लश कंडीशन में माशाल्लाह ट्रैक्टर, ठीक है। इस तो भी इस साइड का भी दुकान ज़रा थल्यो कलर बहा दे भी है। पट्टियाँ लगियाँ दोस्तों मजबूती वास्ते होनी ने, अगर ट्रैक्टर टो चैन करना में ट्राले अगे तो यह ज़रा हिस्से की मजबूती हो जाती है, इस वास्ते पत्रियाँ एहतियातन लाइया जाने। उत्ते शोर शापा काफ़ी लगे है क्योंकि किसी भाई ने बड़े शौक नाल ट्रैक्टर रखे है। एस वी एक्सल का कलर वेख लवो, तो इस साइड का टायर वेखो, किसी जगह तो टायर ना गाढ़ा तरोपा नहीं है, बिल्कुल फिट हालत में। ट्रैक्टर की बैक साइड तो जरा लुक दोनों विखा दी है, ए जनाब ट्रैक्टर की बैक साइड का लुक है, ओके। लिंक बिल्कुल ठीक ठाक ने, किसी जगह तो वेल्डिंग नहीं है, कोई गाढ़ा तरोपा नहीं लगे आ, हुक बड़ी मजबूत है ट्रैक्टर के नाल। थली एक्सलों का कलर वेख लो, रिमा का डबल टैंकी, पिछली साइड तो छत बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह, उत्ते शोर शप्पा लग गया, पार्किंग लाइटा ब्रेक लाइटा हर चीज़ यदि चालू हो गए, चालू हालत में ठीक हो गया। हूँ तरह जनाब मेरी दुकान है ट्रैक्टर के अंदरों केबन का लुक विखा दें, अंदरली साइड तो ट्रैक्टर का अंदरों लुक वेख जरा, ऐ जनाब मेरी ट्रैक्टर का अंदरों केबन है बिल्कुल माशाल्लाह साफ सुथरा, ठीक है। ऐ जनाब ट्रैक्टर का अंदरों लुक है, तो बस टेप शेप को नहीं लगी ट्रैक्टर का डैशबोर्ड। तो उस तो बाद जनाब मेरी ट्रैक्टर का थले कारपेट शर्ट पर पे हर चीज़ बिल्कुल माशाल्लाह फिट फाट है, लश कंडीशन चो है। तो लोडर गेयर को नहीं लगी है, तो तुम्हें पता है कि किसी भी बुलारस में लोडर गेयर लग सकता है, यह जगह वास्ते बनी है, ठीक है। इतों फटीक एक टापा जहा चुकते हैं तो वो लोडर गेयर फिट हो जाता, जिन्हें बुलारस की ताकत में इजाफा हो जाता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ट्रैक्टर तो वेख है, ट्रैक्टर की जनाब जी डिमांड है बहुत अच्छी, बिल्कुल जायज़ डिमांड कर रहे हैं, 16.5 लाख रुपया ट्रैक्टर की डिमांड है, मुकम्मल जेन्युइन ट्रैक्टर है, गरंटी दी जाएगी। तो बाकी मौके तो वाधा घाटा किया जा सकता है, तो जिहड़ा इन्हां दा मालकां दा नंबर है राबता नंबर है वह डिस्क्रिप्शन च दे देने आ। ये ट्रैक्टर जनाब है मंडी बहाउद्दीन सिटी मंडी बहाउद्दीन विच खलोते ने, सिटी मंडी बहाउद्दीन सत सिरा चौक विच ट्रैक्टर खलोते ने, ठीक है। तो उस राबता नंबर से राबता नंबर से डिस्क्रिप्शन च दे देने, राबता नंबर से राबता करके ट्रैक्टर के बारे मजीद गलबात कर सकते हो। 16.5 लाख डिमांड है, बाकी मौके पर इंशाल्लाह वादा घाटा किया जा सकता है। किसी भी दोस्त को ट्रैक्टर अगर पसंद हो
तो वह ट्रैक्टर खरीदने वास्ते उस नंबर पर रबता कर सकता है। और मजीद रोज़ाना एक इस तरह की अच्छी वीडियो देखने वास्ते चैनल को सबसक्राइब करो ताकि असी रोज़ एक नवी वीडियो लैके एग्रीकल्चर की मशीनरी के बारे रोज़ एक नवी वीडियो लैके हाज़र होने। थैंक यू सो मच दोस्तों, अल्लाह निगेबान।